प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, मैं संजय मौर्य इस संदेश के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ एक असरदार प्रार्थना के विषय में, जिसका उत्तर परमेश्वर देना चाहते हैं, जिस प्रार्थना के विषय में यीशु ने कहा है, आज्ञा दी है, और जिस प्रार्थना को सुनना परमेश्वर पसंद करते हैं। वो प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 और 10 आयत में लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। यीशु ने यहाँ 3 बातें कही हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो ये 3 बातें शामिल करिए कि आप कहिए कि प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, और आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी, अर्थात हमारे जीवन में भी आपकी मर्जी पूरी। हम ज़्यादातर लोग जो दुनिया में प्रार्थना कर रहे हैं, ज़्यादातर मसीह लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी महिमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी उन्नति, अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपना बिजनेस बड़ा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने फरमाया है, यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, और उसमें कहा है, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि प्रभु तेरा राज्य आए, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब प्रार्थना हमें परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इबादत करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए, परमेश्वर के राज्य की उन्नति होने के लिए प्रार्थना करना है। और हम जो प्रार्थना कर रहे हैं मसीह लोग, अपने राज्य की उन्नति के लिए, अपने राज्य का विस्तार होने के लिए, अपना बिजनेस बड़ा होने के लिए, अपनी महिमा होने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कितने ही मसीह लोग तो ऐसे हैं जिनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, वे मसीह को छोड़ देते हैं, कलीसिया में आना बंद कर देते हैं। और यीशु यहाँ कहते हैं, मेरी और आपकी प्रार्थना में ये बात होनी है कि प्रभु आपका राज्य आए, आपकी मर्जी पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करें तो इन बातों को शामिल करें अपनी प्रार्थनाओं में। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के राज्य की उन्नति होने के लिए प्रार्थना करें, कलीसियाओं के विस्तार के लिए प्रार्थना करें, सुसमाचार फैलने के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको पसंद करेंगे, प्रभु आपसे मोहब्बत करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपके इंकरेजमेंट के लिए बता दूँ, यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 42 आयत में प्रार्थना करते हैं, क्रूस में जाने से 1 रात पहले, और कहते हैं, हे पिता, यदि कटोरा मेरे पिए बिना टल सकता है तो टला दे, हटा दे, अन्यथा तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। आपकी इच्छा है कि मुझे क्रूस पर मरना चाहिए, उसके द्वारा लोगों को जीवन मिलेगा, तो मैं तैयार हूँ प्रभु, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु ने हमें सिखाया है, यीशु ने हमें समझाया है कि हम परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए अपने जीवन को जिएं, और जब हम दुआ करें तो परमेश्वर की इच्छा के लिए दुआ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ साथियों, आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीना बंद कर दीजिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना बंद कर दीजिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना शुरू करिए, परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, आप ब्लेसेड हो जाएंगे और आप सरफराज होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह की माता मरियम के पास जब स्वर्गदूत को भेजा गया ये कहने के लिए कि तू गर्भवती होगी, तू उद्धारकर्ता को जन्म देगी, तब वो कुंवारी थी और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था समाज को देखते हुए, इसलिए उसने कहा ये कैसे संभव है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। और परमेश्वर के दूत ने बताया कि परमेश्वर का रूह तेरे ऊपर छाया करेगा और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से तू गर्भवती होगी। और तब मरियम जवाब देती है कि मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मेरी नहीं प्रभु की इच्छा पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में हो जाए। वो इज्जत की परवाह नहीं करती है, अपने जीवन की परवाह नहीं करती है, वो परवाह करती है कि खुदा की मर्जी क्या है, वो परवाह करती है कि प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन से, और वो कहती है मैं प्रभु की दासी हूँ इसलिए मेरे जीवन से प्रभु की इच्छा पूरी हो। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु के दास हैं, क्या आप प्रभु की दासी हैं, क्या आप प्रभु पे ईमान रखते हैं? और यदि आप प्रभु के दास या दासी हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन जी रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है, ये प्रभु के दास दासियों पर सूट नहीं करता है, ये उन पर जस्ता नहीं है कि वे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन जिएं, वे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। मरियम ने कहा मैं तो प्रभु की दासी हूँ,
जैसा तू चाहता है मेरे साथ हो। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप वैसा होने दीजिए जैसा प्रभु चाहते हैं। आप घट रहे हैं तो घटने दीजिए, यदि प्रभु की इच्छा है तो इसमें आपकी उन्नति होगी, इसमें आप सरफराज होंगे। आपका काम छूट रहा है तो छूटने दीजिए, यदि आप प्रभु के दास हैं, प्रभु की दासी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु की इच्छा यदि आपका काम छुड़ाना है तो इसी में आपकी आशीष होगी, इसी में आपकी भलाई होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप प्रभु को धमकी मत दीजिए कि मुझे आपने बढ़ाया नहीं है, मुझे मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई हैं, सब अमीर हो गए, मैं गरीब रह गया हूँ, सबकी उन्नति हो रही है, मेरी उन्नति नहीं हो रही है। शायद आपकी घटती में ही आपका कल्याण है, आपकी घटती में ही परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पहला यूहन्ना 3:22 में यीशु के शिष्यों ने कहा, चेलों ने कहा कि हम जो कुछ उससे मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यहाँ यीशु के चेले कहते हैं, यहाँ यूहन्ना कहता है कि हमने जो कुछ प्रभु से मांगा वो हमने उसे पाया, हमने जो प्रार्थना की प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। और वो कहते हैं इसका कारण एक ही था कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे भाता है, वही जीवन हम जीते हैं। साथ ही मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन जीना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर की बात मानना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपकी बात मान लेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेंगे, प्रभु यीशु के नाम से। यदि आपकी कोई प्रार्थना रुकी हुई है, यदि आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो आज से आप परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना शुरू करिए। आप आशीषित हो जाएंगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यूहन्ना 15:14 में यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी बात मानो, यदि तुम मेरी आज्ञा मानो, तो तुम मेरे मित्र हो। आप उसके मित्र हो जाएं उसकी बात मानकर, उसकी इच्छा में जीवन जीकर। और मित्र मित्र से कुछ भी नहीं छुपाता है, मित्र मित्र से हर बात खुल करके बोलता है, और मित्र कभी भी मित्र से मना नहीं करता, इनकार नहीं करता है। इसलिए यीशु को अपना मित्र बना लें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके पथों पर, उसके रास्तों पर चलें, और आप जब उसकी मर्जी में चलेंगे, आपको प्रभु पसंद करेंगे, आपको प्रभु आशीष देंगे, आपको सरफराज करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।